يا سيدي أدركني بدم الحسين دعاء ظهور نور التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا مبينا حتى تسكنه وارزقك طعاما وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد یا قائم آل محمد ادرکنی یا قائم آل محمد آرسنا فی سبیل اللہ یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل بحق سیدت النساء العالمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد رب انی مغلب فانتصر سید ادرکنی و لمن حسن نعرہ تکبیر माशाल्लाह काफ़ी रात तशी फरमाओ इस कायनात च हर बंदा आन तो बाद भी उस अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता जिस सानू इंसान की शक्ल बना के भेजा बंदा अपनी हर कीमती शय दे सकता है महबूब नहीं दे सकता जिनकी तवज्जो है मजलिस के पास बंदे नूं पता चल जाए ना मजलिस हुसैन की अजमत क्या है अपनी जिंदगी दी आखिरी सांस तक भी मजलिस बैठा रहे चले जाना थक जाना इंसानी फितरत है दरअसल असी हजरत आदम की औलाद आ थक जाने जी ठीक है जी ठीक हो गया चलो जरा उठ के बाहर चले गए ने थकना ना आखा फिर कुछ होर लफ्ज इतने मिलते हो पानी शानी पीए सो सबील करना चलो जो ना आखे ठीक है बुजुर्ग नहीं सही गल कह रहे हैं जेडे पानी शानी पीन गए वापस आ जाएंगे हालांकि जिन्हें प्यास विलायत तो नहीं बुझी पता नहीं किस तो बुझनी बादशाह हुसैन दी नलैने पाक दी इज्जत दी कसम ना मैं जाकर हाँ ना मैं जाकर बन सकना ना मैं जाकर कहलवाना भजन मेरे पास देखना हुजूर सर ना मैं जाकर हाँ कब्र हुसैन तक ना मैं जाकर कहलवाना मैं जाकर बन नहीं सकता चुप कर जाए तुहाडी अपनी मर्जी है जाकर होने वास्ते ला शरीक होना पैंदा है जिन्हें मैं समझ आई उन्होंने फिरात मिल गई जिन्हें तक मैं सबक सुना रहा उन्होंने मैं दुआ मिल जानी चाहिए ओ है जाकर जरा वजूद नहीं रखता मोहम्मद वाले मोहम्मद दा बशर हो के बाबा जी मैं तुहाडे कोल इस जुमले दे दाद देंगा सारा पंडाल चुप ही रहेगा तुसी कल्ले इस गल ते दुआ दे दोगे मेरे वास्ते काफ़ी है बंदे पाकीजगी की दलील लेंदे ने मासूमीन नूं हालांकि उस बंदे च गैरत होवे नूं मर जाना चाहिए खुद पाकीजगी अपनी दलील इन्हां दी दलील ते सजदा करके मंगदी है जिहड़े चुप ने उहनां नाल गल नहीं जे मालिका की शान क्या है इस कायनात च कोई नहीं दस सकता यह जितनी जितनी मार्फत है बुजुर्गों की सादात की मातमिया की बेटिया की मावा की किसी की मिल गई दुआ यह दुआ का एक सिलसिला है मेरे तो पहले वाजिब इहतराम उस्ताद ज़ाकरीन नफीस ज़ाकरीन किबला मलिक सकलैन गलू साहब मालिक से तंदुरुस्ती सलामत रखे कमाल बादशाह रब्बुल आलमीन अब्बास का तस्करा कर रहे हैं मैं एक जुमले जनाबे अब्बास की अजमत दसना चाहना जनाबे अब्बास की शान पढ़ने वास्ते कम अज कम इमाम होना पैंदा है एक अरसे बाद जियारत थोड़ी नसीब हुई है मेहरबानी बाबा राजशाह की मालिक उन्होंने साया सलामत रखे उन्होंने हुक्म किया उन्होंने तमील हुई थोड़ी चेहरे की जियारत कर ली चलो पुराने दौर में दोबारा देख लिया अली वाले का चेहरा दोबारा वेख के अपना रिज़्क़ की मार्फत ले लिया बोलना सिर्फ उस बंदे ने मजलिस पढ़न तो पहले नारे लवाण तो पहले मिहनत कर लगा मैंने सिर्फ वो दात दे जिदे वास्ते सब कुछ अली है मेहनत कर माले सामने मैं इस हर गल ते प्यो बैठे ने बाबा जी अल्लाह हू अकबर
बाबा जी को तुसी आखो मौला इमाम हुसैन बादशाह नाले ने पाक देश मुद्दे कसमे सारी जिंदगी सिर्फ जनाबे लफ्ज अब्बास दा आयन पढ़दा रवाना ते ना मुके सिर्फ आयन मेरे वजूद लाल देख के परेशान ना होना मासूमीन नु मनन वास्ते कोई उम्र शर्त नहीं है चलो जी है मार्फत ठीक है जिहड़े हैरान होके वेख रहे हो मेरे माज बादशाह मन जिहदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो बैठे हो फरमा रहे मेरे भिराल दे जिक्र च इंज बोलिया करो बंदे दूरों इशारा करके आखण ओ बैठा ही हुंदा आप कि मन सर जी हां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਅਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਸਲੇ ਮਸੇ ਮੈਯਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਗੁਸਲ ਵਾਜਬੇ ਜਿਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਗੁਸਲ ਵਾਜਬੇ ਤੜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਹੋਣ इमाम हुसैन बादशाह दी नालन पाक दी अजमत दी कसम मैं मेरे को लफ्ज नहीं मैं क्या तुहाडी खिदमत च बयान करां इन्हां दी शान च उस लफ्ज ही उस हस्ती दे उस पकीजगी दे मालिक नहीं जो इन्हां दी शान बयान कर सका जिस परवरदिगार ने तुहानू अपना महबूब भी दे दिता है होर ओ की देवे तुहानू लो इसे गल दा बंदे शुक्र अदा नहीं कर सकदे कि सानू उस नबी दी उम्मत च पैदा कीता जिदी उम्मत बनाउण वास्ते बड़े बड़े उलुल अजम पैगंबर सिखदे रहे भाईजन तुहाडी सोहणी खामोशी दी कसम है बुजुर्ग बैठे ने मैं उहनां नूं सबक सुनाउण वास्ते मेरा ध्यान किसे जांदा नहीं मैं नौकर मैं नौकर जी मैं लाजमी पढ़ांगा एक बाल मैं अपनी मर्जी नहीं रखे जो मैं साइया ने कोई नौकरी देंदा रहा नहीं मड अकबर जा उत्थे लाहौर वाली बादशाहजादी के हरम का झाड़ू रखा जी जुल्फा शुल्फा नहीं बनाई क्योंकि हाथों जितनी पाकिजगी नहीं है जहन जितनी पाकिजगी नहीं है बस सिर दे नाल बस ओ सुन्नत सलमान समझ के ओ बुहारी देंदे हैं असी वसूल कर देंगे जो मार्फत मिल जाए कोशिश करना बुजुर्गों को दुआ लो अगला जुमला तुहाड़े वास्ते जिन्होंने परवरदिगार की नेमत उज़्मा मारिफत मुहम्मद वाले मुहम्मद की शक्ल वसूल की थी मेहरबानी बाबा जान इंतहाई शुक्रिया मालिक तुहाडा साए सलामत रखे जुबान की नेमत का शुक्रिया अदा करना से खालिक दा नाम इन चाहो कि बज हुल्ला तुहाडे मेरे ते राजी हो नारे तकबीर सुभान अल्लाह नारे रिसालत मैं ढेर बंदे ने वेख्या है मैं इशारा नहीं करना क्योंकि बुजुर्गों ने पहले आंधी सोहनी गल करती सी कि आजादार का मुकाम क्या है उन्हें एक जुमले च मैनू समझा लिया जिन्होंने नहीं समझाया उन्होंने मैं दस रहा जिन्हें नहीं बोल सके जिहड़ी शायद बगैर मेहनत किए मिली होवे उहदी कदर नहीं हुंदी जिन्हें सिर भी नहीं हिलाया तुहाडे वास्ते गुल पढ़ वालदैन कलमा पढ़ते सन असीं भी पढ़ लिया मुफ्ती मिले ना कुछ खर्चना पिया ना कुछ तकलीफा बर्दाश्त कीतियां बुजुर्ग बैठे ने तस्दीक करनी 1400 साल पहले जिन्होंने सरकार दो आलम की जात नाल इश्क किया ना किसी ने उस इश्क के इफजाने से प्यो को मार पई है बाबू जी अगला जुमला सोहना करके पढ़िए मैं तुम बंदे की शक्ल दिखावगा जरा खांदा भी दिदा होया तो फिर ना बोला हूँ तुम जानना तो जाना मौला बास वाले पास नहीं भेजते चुके उतर गया तो माफी मुफी कोई नहीं मिन्नत कर रहे हैं इधर तो शायद हो भी जाए पहली गल क्या कीजिए बोलना मालिक तुहानू सलामत रखे कोई एक बंदा तो खैरात दे इतने ढेर बंदे तशरीफ फरमा जे फिर किसी ने रसूल दे नाल अगर मुहब्बत दे इफजाने च कुरान पढ़िया तो उस इफजाने च उहनू भिरा कोल मार पईए किसी ने किसी से सख्ती आंदी रही है साहबा इकराम दे उत्ते पत्थर रखे गए जनाब बिलाल दे सीने ते ढेर जुल्म हर जिन्हें जिन्हें प्यार किया बादशाह दी जात नाल सानू सौखा मिल गया उसी असीं बेवसाए जे लोग हाँ उन्हें दे सानू दिता है लेकिन अजमत अपने कोल रखी है
ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ, ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਦੀਰ ਵਾਹਿਦ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈਂ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਜਲ ਫਰਜ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਦਰੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਅਲੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵੀ ਖਲਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਨੀਨ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਯਾ ਅਬੂ ਮੰਜ਼ਰਾ ਫਾ ਇੰਨਾ ਅਸ਼ਕਾ ਅਸ਼ਕੀਆਇਕੁਮ ਮਨ ਯੁਸੱਦਿਕੁਨਾ ਫਿ ਜ਼ਾਹਿਰਿਨ ਵਾ ਯੁਕਜ਼ਿਬੁਨਾ ਫਿ ਬਾਤਿਨ। ਬਸ ਇਸ ਕਹਨਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਨੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਸ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਮੂੰਹ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵੋ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਂਠ ਮਿਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚਿਰ ਰੌਣਕ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂਰ 'ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਮਾ ਯੰਤਕੁਨ ਲਿਲ ਹਵਾਇਨ ਹੋ ਅਲਾ ਵਾਹੀਨ ਯੂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤਬ ਤੱਕ ਨੁਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਚਾਹਵਾਂ। ਨੁਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਤਕ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਫਿਲਟਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਮ ਡਾਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਾਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਤਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੁਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਅਸੇ ਪੜੀ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੋ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਮਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਇਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਏਡਾ ਕੱਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਫ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਰਹੇ? ਅੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ? ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਛ ਆਦਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਓ, ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਹਮਨੇ ਮੋਮਨ ਕੋ ਮੋਮਨ ਕਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਇਆ 14 ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਯਕੀਨ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਸਾਦ ਕਮੀਨ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਸਾਦ ਕਮੀਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਹੈ। 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ? ਐਡੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਮਿਆਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਕਸਮ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ? ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਮਨ ਗੁਣ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜੰਨਤ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਜੰਨਤ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਜੰਨਤ ਤਵਾਫ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਘਬਰਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਾਂਗਾ? ਜੰਨਤ ਹੈ ਜੇ
मेहरबानी चलो शुक्र है जन्नत चली दे नालो आओ सही इजाजत दीजिए मेहरबानी जन्नत है सिर्फ तीन सवालों से तुम बोलने की तो तकलीफ देंगे फिर नहीं आखांगा जन्नत है पिछले ही बोल दो देखी जे मनिया क्यों मेहरबानी मेहरबानी इस गलते मैं पहले बुजुर्गों नाल मिलाना अपने करीबी मातमे नाल मिला के माफ़ी मांग के दिल दुखे देना माफ़ कर देना फरिश्ते हैं ना जी देखे जे देखने जे कोई भी नहीं बोलिया बंदा अपनी जिंदगी एक बार फरिश्ता वेखदा फिर दसन जोगा नहीं रहा तुसी दात दियो ना दियो जुमला एडा बड़ा है पता नहीं किस बंदे नूं खैरात देने का पता अली दिना ते बोलना सोहना किड़ा लगता है अली दिना ते बोल के मिलता क्या कहे तो हम जावे साढ़े को प्यो मनन का शिनाख्ती कार्ड सब तो वड्डी माँ है माँ जिन्हू कह देगी उन्हें प्यो मनना पैना है जे थक गए हो तो मैं इतने भी छड़ सकना मैंने प्रॉब्लम नहीं जी मैं मेरा दिल कर रहे हैं भी थोड़ा गल्ला करिए थोड़ी जी अच्छा मौला दी कसम जी मजलिस से बोलना ही बात है वीडियो बनाने बात नहीं मेहरबानी मालिक थोड़ा साया सलामत रखे बाबा जी ने गली मुकाती है अल्लाह वेखे नहीं मने रसूल दी जबान तो जन्नत वेखे नहीं मने रसूल दी जबान तो फरिश्ते दो दो सारे नाल ने वेखे नहीं मने रसूल दी जबान तो हैरत होंदी मैंने इस बंदे ते हैरान होना मैं शख्स ते जिहड़ा अपनी मां दे अखन ते किसे बंदे नूं अपना प्यो मन लैंदा है नबी दे कहन ते अली नूं वाजिब नहीं मंगदा जिहदे वास्ते अली वाजिब है सिर्फ ओही हद चावे हैदरी अली 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 बाबा जी चलो असि तुहाडे कोलो सुने तुसी आखे गए या अली कहन नाल खत्मे कुरान दा सवाब है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद 16,000 खत्म है मैं एक गल अगे सुना लगा सी चलो एक गल जी असी तुहाडे कोलों सुनी छोटे होंदे 16,000 दा ना पता होगा 100 तक गिनती नहीं आती होंगी छोटे होंदे उन्होंने कहा एक बारी खत्म कुरान दा सवाब अगर सिर्फ यही वेखो खत्म सुपारा नहीं आख्या बंदा बंदे दा पुत्र होवे तो चाह दी प्याली नहीं भुलदा चलो इस जुमले च पता लगे किस बंदे ने खैरात देनी है और केड़ा बंदा मजलिस आया और केड़ा बंदा सिर्फ और सिर्फ टहलन वास्ते आया बादशाह हुसैन ने मिंबर ते खलो के जुमला कह रहे हैं मर जाना ही है मौत हक है और हक भी अली दे पिछे है पता नहीं किनू बंदे नूं पता है कि जिक्र अली जी कितना बोलना चाहिए जे मैनूं इस जुमले ते तुसीं दसो मैं बोलना दाद देवां मैं सारी जिंदगी दाद देवां मुक नहीं सकदी जुमला ही एडा वड्डा जिस बंदे ते गुसल वाजिब हुंदा है ना ओह अली ते फतवा नहीं दे सकदा नहीं समझ आई तुहानू ओ जिहनू नमाज पढ़ने वास्ते वजू दी लोड़ पैंदी है चलो जिहड़े चुप बैठे हो अल्लाह तुहाडी चुप सलामत रखे तुहानू बोलन दी तौफीक देवे जिन्हां दे प्यो नू हजरत आदम अबू दी गल कर रहे हैं तुहाडे भी हैं जिन्हां दे प्यो नू माफी इन्हां हस्तियां दे नावां दा वास्ता दे के मिली सी ना अज उसे प्यो दे नलायक पुत्र 1400 साल बाद कह रहे ने इत्थे पढ़ना है ते इत्थे नहीं पढ़ना चलो जी हाथ लिया से उठल देने बंदे से उठे कर इमाम हुसैन बादशाह तोड़ी इज्जत दा पता बेशुमार बेशुमार भाई जी जुमला के शायद जी बाबा नौकर हाँ हाँ अल्लाह मसले ला रैब मालिक तोड़े साया सलामत रखे इस जुमले दे सदके इमाम हुसैन बादशाह तुहानू तुहाडे इलाके नाल दोस्तां अहबाबां नाल औलाद नाल सलामत रखे नज़रे बाद तुसीं विलायत दे हिसार च रहो जुमला कह के तुसीं गल ही मुकाती जी खुदा दी कसम इस जुमला सिर्फ मेरी जात वास्ते सी होर किसे वास्ते नहीं सी तुहाडी सलामती वास्ते एक जुमला होर पढ़े शायद ना पढ़दा तुहाडे वास्ते पढ़िया सोच ओह अली नूं रहा जिन्हों किसी के घर जाके मुसल्ला और खाके शिफा लैके पुछना पैंदा भजन दसना काबा किहड़े पासे मैं नौकर आपकी वजह से इज्जतदार हूँ इनको तो सबक सुनाना है जो बाप बुजुर्ग बाप की जगह पे बैठे हैं ये आपकी वजह से बैठा हूँ भाई जानता है बड़ी देर बाद ज़ियारत की बद दिल आया चलो कोई पल गया अपनी भी गल करा
ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤਾਰੁਫ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਪਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਲ ਗਿਆ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮੇਂ। मालिक तुहाडे साया सलामत रखे। बाबू जी एक शेर ऐसा है तुसी अपने नौकर से दुआ मेहरबानी सीरपुर अजारी वाले भाई मैं एक मिन्नत करांगा सारे के क्योंकि दो कैमरे नहीं तीन लगे ने तुहाडे के मिन्नत ही है मेरे लिए भावें दो दिन बाद चला लेना आज बेशक बंद कर देना क्योंकि मैं उन्होंने अली देना नहीं चाहता जिन्होंने रसूल को वसूल नहीं किया। कोई पल गया कोई जल गया असर है ये क्या अली तेरे नाम जिनको कसीदे की पता लफ्ज़े कसीदा कैसा होना चाहिए उनके लिए बात। तुझे जब पढ़ूं इबादत करूं है कितना खुदा अली तेरे नाम एक शेर तोड़े सारे वास्ते एक शेर अपने बाबी जी सलाम जी वास्ते जेरे मजलिस दी जीने तो हर बंदे नसीब च नहीं है ना मैदा खराब होए ते जल्दी इलाज कराया करो क्योंकि मैदा सौ बीमारी कई हकीम ऐसे बैठे सुन जानते ने मैदा खराब हो सौ बीमारियों की जड़ होता है और सब तो पहली बीमारी मुकसरियत की लगती है। अली ने सोचने लगी ऐले सुन बनाओ ढेर फिरके ने देवबंदी बरेलवी नक्शबंदी चक्रालवी सोलवर्दी एक्सेट्रा ETC वगैरह वगैरह काफ़ी ने साढ़े शिया जी फिरके ने शेर मैं पढ़ाँगा चेहरा इत बैठे नजर आ जाएगा तुम। मुकसर की गैरत हवा हो गई मुसल्ले पे लानत बपा हो गई भाजन हाथ जी चली आए मैंने सोचना पे जी ने मालिक तुम सलामत रखे जिंदाबाद। इमाम हुसैन तुम सलामत रखे मैं पहले आके एक शेर बाबा जी हस्ते एक शेर थोड़े सारे हस्ते मुकसर की गैरत इमाम हुसैन बादशाह दी इस नौकरी देने की कसम खा कह रहे नहीं समझ के पढ़ना मैं अपना कफन गड्डी च नाल लेके जाना बंदे हस्ते कभी अली पढ़े ही नहीं हमने सुना है कब्र में आते हैं या अली। बाबा जी इस जुमले तो पता लगता है ना कि अली वाला कड़ा तेरे ने कब्र में आते हैं या अली बंदा जमीर जिंदा हो तो इस जुमले से दाद दे जिथे अली आन हो कब्र नहीं होंगी और काबा होंगे जे जिन्हें सेहत मेरे ना चंगी कम अज कम अली नाते बोलिया करो। मुकसर की गैर मौला आपके रिज़्क़ इज़्ज़त में इजाफा करे साउंड उसे कहते हैं जहाँ आवाज जोर लगाने की जरूरत पड़े बंदे पता नहीं साउंड क्या होता है मेहरबानी। मुकसर की गैरत हवा हो गई मुसल्ले पे लानत बपा हो गई नबी को अली से जुदा कर दिया इबादत भी उसकी सजा हो गई न खालिक मिला न वालिद मिला अदल है बड़ा अली तेरे नाम साइन होकर जिस दिल में उल्फत हैदर की कली खिली नहीं
जिस दिल में उल्फत हैदर की कली खिली नहीं उस दिल को कभी भी सुकून की दौलत मिली नहीं। मैंने तो अपनी 50 साल जिंदगी में यही पाया है कामरान, उस जिंदगी पे लानत जिसमें अली अमीर दा सुन की दीवान आज जिक्र अमीर दा सुन की दीवान लख नेम का लाथन चुन की दीवान गम खार अली को हक ते चमन जे जन्नत चांदे तो होन की दीवान नारे हैदरी मालिक तुहानू सलामत रखी। बहुत में पहले आके एक शेर सारे हंसते सी वो पढ़ लिया ये उन्होंने ये हूँ मजलिस चुनवे बंदे वास्ते चलो इशारा नहीं करांगा ये दस देंगा जिन्होंने पता जो दस बैठे अपने आप महसूस होंगे कि असी मजलिस की जीनत साइए सानू बनाया है उन्होंने सिर पढ़े हैं बादशाह बार गल जा करें मेरे मौला गुना डर रहे हैं तेरे नाम से अदू मर रहे किबरिया की यहाँ शुरू कर रहे हैं तेरे नाम से बिस्मिल्लाह जहन चाहिए हम सुनो कहे मुस्तफा दिया मुर्तजा है क्या आसरा अली तेरे नाम है मौला दी मिंबर ते खड़ा बंदियां नू कसीदे समझदे ने मरहम लमिया पा साडी फरमाइश ते एक कसीदा नहीं हुंदा ख्वाहिश हुंदी। चलो मैं एक तो नात भी सुनावांगा तुहानू पता लगेगा नात भी सिर मैनू ही पढ़नी आंदी है। अगर मैं अली दा गाली हां ते मैं कुल्ले ईमान दे ईमान दा भी गाली हां। चलो जिन्हें सिर सिरी सिरे होने या शायद इस जुमले तो रौनक आ जाए या होर मैं सख्ती नूं वेखण लग जाए मैनू कहंदे ने जी ए काफर ए मुशरिक ए नुसैरी अलहमदुल्ला अली दे नाम ते तमगे मिले ना मैं तो खुश हूँ मैं मेरी जात मेहरबानी से ए मैनू सब कुछ कह सकते ने मालिक तुहाडा साया सलामत रखे भजन मैं मेरी औकात नहीं ए तुहाडी दुआ जे जुमला एक पढ़न लगा इस मैनू सब कुछ कह सकते ने एक गल इहनूं मैं कह सकना हरामजादा मेरे बादशाह तेरे दुश्मन बे औलाद सी एक साहबी ने हाथ जुड़ के मोला जरा भाई जा रहे लंबा जा परेशान ना हो नावे लगे ने अल्लाह दा मुनकर हलाली हो सकता है कसीदा सुनाई तुहानू पता लगे बिस्मिल्लाह नौकर बाबा जी मेहरबान मालिक तुहाडा साया सलामत अल्लाह दा मुनकर हलाली हो सकता है रसूल फरमान मेरा मुनकर हलाली हो सकता है या अली अल्लाह ने तेरे वास्ते शर्त रखी तेरा दुश्मन हरामी हो सी मेरे दिल में अपने दौर दे अली दा एक तज़करा करा अपने दौर दे मोहम्मद दा जिदी असी रहे हां एको जुमले तुहाडी मारफत देखा असी इतने दूर हां अपने इमाम दी मारफत तो मौला दी कसम जे मैं ज्यादातर कोशिश करना अपने वक्त दे बादशाह तज़करा करा जिदी असी रहिए तां किसने इमाम हसन ने असली बादशाह कोला बादशाह तुहाडा महदी कौन है सरकार मैं जिसका जाहिर मोहम्मद है और बातिन अब्बास है खुदा दी कसम मेरे पूरे पूरी जिंदगी तो बड़ा एक जुमला मेरे बादशाह जिसका जाहिर मोहम्मद है बातिन अब्बास है जे पर्दा हटावे महदी ते चेहरा विखावे महदी ए मिट्टी च शिफा वेखला ते मैं भी मुस्तफा वेखला बाबू जी एक शेर पढ़ांगा शेर लाहौर अली अकबर ने कमाल खैरात दी मैं इस तो बड़ा शुक्र सजदा अदा कर नहीं सकता बीबी का
लेकिन अगर इन्हें वसूल किए सारे नहीं तो कुछ सुनावा जी। मैं सावन रोज लड़ा मुसले ते दुआ करा तू अली दी अजान दे में ते पीछे मैं नमाज पढ़ा ते तेरी नालें चुमके मैं अरशे उलावे खुला जे पर्दा हटावे महादी। चलो दाद थोड़ी सोहनी आ गई हूँ गिला करना बनता ही नहीं है लेकिन मैं बोलता ही सिर्फ अली भेज दूँ मैंने जो मर्जी आखो कोई प्रॉब्लम नहीं जो दिल करता आखो कोई प्रॉब्लम नहीं पर जब मेरे मौला दे नाते बोल ना सके मैं उन्होंने कहना भाई मजलिस के टाइम नजाया कर कर घर रहा कर शेर तुआड़े वास्ते पढ़े हैं गल करी आख रहे हैं ए आख तेरी दीद करे ते जहरा भी ईद करे तू धरती ते पैर रखे ते मिन्नता यजीद करे तू फिदक दे चोर फड़ ले मैं उना दी सजा वेखला जे पर्दा हटावे मां दी। केड़ा जी अच्छा मैं पढ़ देगा आखिर च क्योंकि उस किसी वह कसीदा ऐसा बंदे कलमा दोबारा पढ़ लेंगे पढ़ दूंगा मैं पढ़ दूंगा भजन मजलिस उठ के चलो पता नहीं जिंदगी कितनी है अजय। अच्छा मैंने बंदे तो हैरानी होंगी जो मजलिस च उठ के जाते हैं बाहर या तो अली सुन के उन्होंने अंदरों कुछ होंगे तो या मजलिस की अजमत का पता नहीं। अल्लाह अकबर कसीदे तो शुरू करिए ना कि क्या तुम कुल्ले ईमान पहले सुनो फिर देखिए कुल्ले ईमान दे ईमान का तस्करा किमें सुनना पहले ईमान तो चेक करिए ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर थोड़ी गल करी ना अल्लाह अकबर अजय इंज कर चुप बैठे हो सिर ते अजे भी चुनिया लेई बैठे हो भाई होके सुनना सुबह शाम काबे के नूर ने सुबह शाम काबे के नूर ने ऐ अली तुम्हारे ज़हूर ने ऐ अली तुम्हारे ज़हूर ने मुझे एक नमाजी बना दिया मुझे एक नमाजी बना दिया मुझे एक नमाजी बना दिया चुप ने उन्होंने वेखदा भी नहीं मैं ओ चेहरा वेखना जरा अली ना सुन के खुश हों बाकी जो मर्जी कर दे नौकरी ली इन्हों को सुबह शाम काबे के नूर ने सुबह शाम काबे के नूर ने अली तुम्हारे ज़हूर ने अली तुम्हारे ज़हूर ने मुझे एक नमाजी बना दिया खुदा को ढूंढने निकला था मैं 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 खुदा को ढूंढने निकला था तूने रुख से पर्दा हटा दिया मैं खुदा को ढूंढने जिंदाबाद अली वाले जिंदाबाद भाजी मैं राजी हां मालिक सलामत रखे थोड़ी क्या बात इमाम हुसैन बादशाह तुम दोबारी नसीब कर जेरे मौला दे जिक्र च अपने पे साथ तोड़ के दा दे रहे हो भाई सी पूरा लदारी वाले दूसरे भी मालिक थोड़ी रिजिक अली वाले बोलो या रसूल अल्लाह नौकर जी नौकर सही नौकर सौ वारी अकल सौ वारी पढ़ा नौकर जी भाई वाला पढ़ सा एडा ही प्यारा जाकर जिदा प्यारा जिक्र है ओडा ही प्यारा जाकर साइया का बड़ा प्यारा मंजूर नजर मेरा बड़ा प्यारा भाई मेरा दिल अजीज मालिक हर कदम ते मुहाफ़ज़त च रवे मालिक सफर पे खतर फरमाए पाक बीबी और नसीब फरमाए जिक्र इजाज़त दे शेर थोड़े वास्ते पढ़िए हजे मैं पहला कसीदा पढ़े सी अच्छा जी मैं लाजी पढ़ांगा जी मैं नौकर लो एक मेरे भिरा ने आके मैंने हुक्म करता कसीदा वह भी पढ़ांगा
मैं बाबा जी हुक्म कर रहे दोबारा पढ़े हैं दोबारा पढ़े सुबह शाम काबे के नूर ने सुबह शाम काबे के नूर ने ऐ अली तुम्हारे ज़हूर ने मुझे एक नमाजी बना दिया मुझे एक नमाजी बना दिया सुबह शाम काबे के नूर ने सुबह शाम काबे के नूर ने से पर्दा हटा दिया खुदा को ढूंढने भाई भाई आ गए ने और जल्दी कर दिया और जिन्हें हजे तक दाद नहीं दे सके मैं राजी हाँ मालिक दी नलायन सदका मालिक तुम मजलिसां च बोलने की तौफीक देवे हर बंदा बोले हर जाकर ना बोले बाबा जान यह शेर फिर थोड़ी सलामती वास्ते पढ़िए मिन्नत कर रहे हैं कोई एक बंदा मैंने उठ के आके जी मेरा कोई रिश्तेदार 1400 साल पहले सी मैं पूछ के दस देना कि सब तो पहले मेरा आज तक कौन गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैल मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक्सा पाक है जात जे लगी अपने बंदे नु रात दे टाइम ते सैर कराउण वास्ते मस्जिदिल हराम ते मस्जिद अक्सा तई गर्मी बिस्तर कायम रही वजू दा पानी चलदा रहा कुंडी हिलदी रही और जिन्होंने कुंडी याद है उन्होंने हाथ जोड़े हैं आओ तो नाल मिला के अपने बुजुर्गों नाल मिला के अमीरुल मोमिनीन बादशाह दे बारगाह हाथ जोड़ के पूछना मेरे मौला तेरा मुस्तफा से हिजाब क्यों तेरा मुस्तफा से हिजाब क्यों तेरा मुस्तफा से हिजाब क्यों तू खुदा नहीं तो सवाब क्यों तू खुदा नहीं तो सवाब क्यों तू खुदा नहीं तो सवाब क्यों मुलाकात अल्लाह नबी में थी मुलाकात अल्लाह नबी में थी मेराज में फिर जनाब क्यों मेराज में फिर जनाब क्यों मेराज में फिर जनाब क्यों नबी का सलाम खुदा को था नबी का सलाम खुदा को था नबी का सलाम खुदा को था तेरे लहजे में फिर जवाब क्यों रहमत ने वहादत से मिलना था रहमत ने वहादत से मिलना था रहमत ने वहादत से मिलना था तूने हाथ अपना मिला दिया रहमत ने वहादत यो धन्यवाद सलामत नौकर हो जी भाजन नौकर सारे दिन दिल दोबारा पढ़ा आखिर मेरे तवज्जो करनी है हाथ जोड़ के बादशाह दी बारगाह जाकर मेरे मौला तेरा मुस्तफा से हिजाब क्यों तेरा मुस्तफा से हिजाब क्यों तू खुदा नहीं तो सवाब क्यों तू खुदा नहीं तो सवाब क्यों मुलाकात अल्लाह नबी ने दी मुलाकात अल्लाह नबी ने दी मेराज में सलाम खुदा को था नबी का सलाम खुदा को था तेरे लहजे में फिर जवाब क्यों लहजे में फिर जवाब क्यों रहमत ने वहादत से मिलना था रहमत ने वहादत से मिलना था तूने हाथ अपना मिला दिया रहमत ने वहादत बड़ी क्या बात बड़ी क्या बात बादशाह नौकर नौकर में बादशाह यार उसमें सर नौकर हाथों जोड़ सर ऑर्डर करे तो اللهم صل على محمد وعلى آله بادشاہ میں پڑھاں گا تھوڑا میں کسی کا معلوم نہیں سر نوکر
बादशाह मालिक थोड़े साए सलामत रखे। ए वाहिद मेरे मौला दा एडा प्यारा जाकर है, एक उन्हां दा हुक्म एक कसीदे दा नौकर ओ कसीदा सुनना जे। अली ना होवे किबला नहीं बनदा, यही वाला दोबारा पढ़े जी। तेरा मुस्तफा से हिजाब क्यों, तेरा मौला है भी उठियां हिजाब क्यों, तू खुदा नहीं तो सवाब क्यों, तू खुदा नहीं तो सवाब क्यों, मुलाकात अल्लाह नबी में थी, मुलाकात अल्लाह नबी में थी, मेराज में फिर जनाब क्यों, मेराज में फिर जनाब क्यों, नबी का सलाम से मिलना था, रहमत ने वहादत से मिलना था, तूने हाथ अपना मिला दिया रहमत ने वहादत। चलो मेरे बुजुर्ग भी ने प्यो भी ने सैयद भी ने उठ के उन्होंने कहा मैंने वही कसीदा जैसे नहीं पढ़िया सी वही नवाज से पढ़िया। दाद कितनी हो सकती है, दाद आज नहीं दुआ से पढ़ने जा रहे हैं। मिन्नत करें बादशाह, मिट्टी का पुतला बनाते हो, मिट्टी का पुतला बनाते हो, मिट्टी का पुतला बनाते हो, रूह फूंक कर आजमाते हो, रूह फूंक कर आजमाते हो, रूह फूंक कर आजमाते हो, बंदों के काबे में आते हो, बंदों के काबे में आते हो, बंदों के काबे में आते हो, फिर आप सजदे में जाते हो, फिर आप सजदे में जाते हो, फिर आप सजदे कटाते हो, फिर सजदे में सर कटाते हो, फिर सजदे में सर कटाते हो, जुन सहेलियों को लगा खुदा, सहेलियों को लगा खुदा, जुन सहेलियों को लगा खुदा, वो अली नजफ में छुपा दिया। एक तोड़ी बैठ तुसी मालिक तोड़े साहिब सलाम है बाबू जी। पिछले दिन एक सिनेरियो गुजरे सही, एक वाक्य गुजरे ज़्यादा देर नहीं, पिछले दिन मैंने समझ नहीं आती कि बंदे अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, कलमा भी नबी का पढ़ते हैं। अच्छा जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते पे ने जनाबे रहमतुल आलमीन के मनन वाले, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे हैं जनाबे रहमतुल आलमीन के मनन वाले। और जिस पास भी जनाबे इब्राहिम की सुन्नत अदा करने वाले कुरबानी जितों मर्जी लैके गुजरन तैयार कर साढ़े तहत की इलाके बंद तैयार भी बखरे बखरे अंदाज में की सिंगा तो लाइटा लाइया हुई सर इलेक्ट्रॉनिक कुरबानियां की। अच्छा बाबू जी इतना तैयार करके किसी ने भी मुहल्ले मुसलमान चु लैके लंघे ने, किसी ने भी सुन्नत इब्राहिम वेख नहीं आख्या इतों लैके ना लंघी मेरा निकाह टुट जाता है। नमाजी सिर चाणा जी जिन्होंने अपनी नमाजा तो नाज है कबरे हुसैन दिखना मौला तो मदा खान सादात मातमी अजदारन की मौजूदगी माइक से गल कर रहे हैं किसी के कान से सरगोशी नहीं कर रहा। अली ना होवे किबला नहीं बनदा, न सजदे गवालवी मौलवी, अली ना होवे किबला नहीं बनदा, न सजदे गवालवी मौलवी, अली ना होवे किबला नहीं बनदा, न सजदे गवालवी मौलवी, अली ना होवे किबला नहीं बनदा, अच्छा सजदे गवालवी मौलवी, अली ना होवे जिन्हें जिन्हें करबला जाने हच्चा बोलो सजदे गवालवी मौलवी, अली दे विच रब है वसदा तू रब ना रुसालवी मौलवी, अली ना होवे किबला निबनदा। मेरा शेर खा गए हो नियाज मैं तुम दे देना, मेरे लब सुनना मेहरबानी करनी है। हुन शेर पढ़न लगा जरा हाथ नहीं चाहेगा अगला शेर वास्ते मुझे पढ़ना पैना गल कड़ी आके दीन विच खुद दा ऐलान करदा मौलवी नमाज विच जान करदा दीन विच खुद दा ऐलान करदा मौलवी
ਐਲਾਨ ਕੱਢਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਐਲਾਨ ਕੱਢਦਾ ਮਜਲ ਵੀ ਜਮਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਛੱਡਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਕੱਢਦਾ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਛੱਡਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਕੱਢਦਾ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੋਕ ਗੱਲ ਪਾਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਓ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਅਲੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬੁਲਾ ਨੀ ਬਣਦਾ ਮਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬਾਜੀ ਨੌਕਰ ਸੈਦ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤਮੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤਮੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪਾਉਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੈਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪਾਉਣ ਅੱਜ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਆਪ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀਰੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਨਾਨ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਦਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬੁਗਲ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਨਤੀ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬੁਗਲ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਨਤੀ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬੁਗਲ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਨਤੀ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਾ ਸੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਪਲੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਪਲੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਾ ਸੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਪਲੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਦੁਆ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਖਾ ਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਅਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਬਲਾ ਨੀ ਬਣਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾੜਿਆ ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਦਾਰੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਿਆਰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਨੇ ਮਦਾ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਤਮੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ 'ਤੇ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਨ ਚਲੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਜੂ ਅਲੀ ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਮੁਝੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਅਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਤਨੇ ਢੇਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਮਦਾ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਤਸਬੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਤਮਗੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਲੈਨ ਪਾਕ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕਮਾਲ ਮਦਾ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਨਜ਼ਰ ਬਖਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਇਸ ਕਸੀਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਕਸੀਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਮਗਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਨੇ ਮਲਿਕ ਸਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ
मेरे मौला दा ना होवे हो जिन सीने ते लिखया मेरे मौला दा ना होवे हो जिन सीने उते रोक लवो तहकी सवाल किया जाने काले कपड़े या हुसैन करके चले यार एक बुजुर्ग फरिश्ते नु आखे यार इन्होंने रोक दे फरिश्ते के चुप सरकारी बंदे ने सरकारी बंदे ने गल आई जाकर निवारी आई लाल बत्ती जल गई फरिश्ता लिस्ट लेके आया अगर चल तू बाहर हो चल तू ही ओए निकल बाहर ओए लुकदा क्यों तू बाहर हो मजीद मोटिया और सारी जिंदगी अली का खांदा ने अली ने भौंकदा ने बाहर सोल बत्ती चली इशारा चले बाबा जी अगे अगे मलिक साजू रुकन साहब उन्होंने पिछले शहीद मेंबर नई राशिक भी साहब उन्होंने पिछले मैं इंज करके देखा फरिश्ते नाल बहस चल रही है वो कह रहे जी कैश ले लो मलिक साहब ने कैश नहीं चाहिए वो कह जी चेक ले लो अंदर चेक नहीं चाहिए उन्होंने कहा जन्नत सोसाइटी बना लो अंदर वो नहीं चाहिए फरिश्ता परेशान होकर फिर क्या चाहिए मलिक साहब एक कह देने मैं प्रचार कीता है इमाम हुसैन तुम सलामत रखो मेहरबानी पाक भी थोड़ी जितना इजाफा करें हूँ तुम आप तो गिरिया नसीब हो गया मैं तो कसीदा थोड़ा पढ़न लगा सी लेकिन मेरे नाना जन आशिक हुसैन भी सफर मान जन मोमना की अखा वजू कर लेना फिर मुसाफर है शाम चांदी मेरे वीर का मसाक पड़े जाए भाजी मैं इन हस्तियों के सामने मसाइब क्या पढ़ना हर किसी से बखरा तरस है ना जी हाय मालिक बड़ा साय सलामत रखे कायनात दी मालका सैन चलो एक जुमला पढ़िए थोड़े को दुआ लिए खुद हिजाब अल्लाह बीबी दी ये ख्वाहिश बाबू जी मैं एक जुमला पढ़ रहे हैं सर इतने ढेर इज्जत दारंद विच दिल दुखे तो नौकर समझ माफ कर देना मैं रोना ना आवे मैं मसाइब नहीं पढ़ता मेरे तो पहले जो पढ़ता हुआ मैं उन्होंने सुनना मैं मुसाफिर शाम ने सजदा करके मंगया सिर्फ बीबी थोड़े बिरा का जिरा मादा खान पढ़े और जिरे मसाइब पढ़े बीबी मैंने गिरिया नसीब हो बीबी तेन हसरत रही है ना गिरिए किसी बहन का एक मिरा हो तो बंद यार दो मिनट बैन कर लेंगे आखिरी बारी चेहरा देखना है फिर कदों जाने बार बार देखना बाबा जी पता नहीं कितने बंदे चुप करके सुन ले थोड़े को हाथ जोड़ के पूछ रहे मैं नहीं कहंगा जिका सिर करो गुना हाँ की माफ़ी मंगो कंड करके बैठो तुम बैठे व्डे साने शाम हो गई
ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤਾਲੁਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 7 ਬੇਟੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, 7 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਪੁੱਤਰ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਾ ਜਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਦਾਰੇ ਫਨ ਤੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਖੈਰ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਖੇਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 7 ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਾਂ ਨੇ ਛੁੜਾਇਆ, ਜਾਣ ਦੱਸ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਦਾ ਦਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ 7 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਦਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖੇ ਮਰੀਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੀ। ਉਸ ਕੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਛੁੜਾਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਦਾਦਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਲ ਲੁਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬਿਰਾ ਦੇ ਦਫਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕੋ ਕਰਬਲਾ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਸਤੂਰ ਬਦਲਤਾ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਪਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਦਾਦਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇਖਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੀਨ ਵਾਲੀ ਲਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਮੁਹਰਮ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਸਾਇਬ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਣਾ ਔਰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਤੂਲ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਤੂਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲਾ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਖੂਨ ਤੋੜੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਦੁਆ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਂ ਮਾਲਿਕ ਬਖਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਾੜੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ, ਮਹਿਮਾਨੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਦਾ ਅਲੀ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਖਾਂ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਜ਼ੈਨੁਲ ਅਬਾਂ, ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਬਰ ਚਿੱਤਰ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਸਕੀਨਾ ਦੀ, ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜਨਾਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀ, ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਬਾ। ਬੋਝ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
जिन्हों हजे तक गिरिया नसीब नहीं होया मैं माफी मंगना दुआ मंगना मालिक तुहानू इस साल इस बीबी दी नाल इंद सके शाम लैके जावे जो तादाद कोई गिन नहीं सकता कबर हली आवाज है मेरा बच्चा आखिर का चना है मुंह ते मातम की तरह कह बाबा जिंदा सख ए तेरा सीना ओनी सख तेरी सकीना तेरे हाथ सकीना ओ बाबा मैं चार साल बैंक में सियाने नाल छुपा के